डालमिया सीमेंट प्रस्तुत करते हैं 15 अगस्त 15 कहानियां। ये कहानी है महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में जन्मे खुदीराम बोस बचपन से ही उग्र विचार के थे। 14 साल की उम्र में जब उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ से हुई तो उनकी विचारधारा को दिशा मिलनी शुरू हो गई। 9वीं कक्षा में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी को जीवन का अंतिम मकसद बना लिया और वो रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके विरोध में भारी आंदोलन शुरू हो गया। खुदीराम बोस ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय कलकत्ता का मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक क्रूर अधिकारी के तौर पर विख्यात था। क्रांतिकारियों का मानना था कि वो देशभक्तों को परेशान करता है। वो किंग्सफोर्ड बहुत बड़ा बेरहम है, हिंदुस्तानियों की छोटी सी भूल पे कठोर सजा देता है। हाँ, अभी हफ्ता भर पहले सुशील सेन को भी बहुत बेरहमी के साथ कोड़ों से पिटवाया। सुशील सिर्फ 15 साल का लड़का है। फिर क्या था, क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करने का फैसला किया और इस काम के लिए खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या करने बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। खुदीराम, हमें बहुत सावधान रहना होगा। दादा, 10 दिन हो गए, उसके आसपास कितना कड़ा पहरा है, जरा सा भी निशाना चुका ना। किंग्सफोर्ड के बंगले के पास ही एक क्लब था जहां शाम को अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार के साथ जाते थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम लाल रंग की बग्घी में किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ क्लब पहुंचा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात के करीब 8:30 बजे लाल रंग की वो बग्घी क्लब से वापस सड़क की ओर निकली। फिर क्या था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस पर बम फेंका और यह मानकर फरार हो गए कि किंग्सफोर्ड मारा गया। मगर इस दौरान एक गलतफहमी हो गई थी। बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सारी गलतफहमी अंधेरे और एक ही रंग की बग्घी के कारण हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी करीब 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन बोस पर पुलिस को शक हो गया और पूसा रोड रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अपने आप को घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। पर खुदीराम बोस पकड़े गए, उन पर हत्या का मुकदमा चला। उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था और दोनों निर्दोष महिलाओं की मौत पर अफसोस जताया। यह मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया। 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। यह अदालत खुदीराम बोस को सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। मैं अपने देश के लिए एक क्या, हर जन्म में मृत्यु को गले लगा सकता हूं। इतने संगीन मुकदमे को मात्र 5 दिन में रफा दफा कर अंग्रेजों ने अपनी न्याय व्यवस्था का मजाक बना डाला था। पंद्रह अगस्त 15 कहानियां के प्रस्तुतकर्ता थे डालमिया सीमेंट। दिल जोड़े, देश जोड़े।